subscribe and like Corona tutorial, and don't forget to press bell icon to get latest updates. Dear students, पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए थे. आज मैं उन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे आपको क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है tan 90 plus theta, secant 180 plus theta, sin of minus theta, cot 180 minus theta, sin 360 minus theta, cosecant 270 plus theta. अब यहाँ पर हमें 90 plus theta, इससे देखकर पता लगेगा अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसमें tan जो है वो cot में चेंज हो जाएगा, और 90 plus theta सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो इसका रिजल्ट बनेगा माइनस ऑफ कॉट. उसी तरह से सीकेंट 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री के एंगल पर सीकेंट सीकेंट में ही रहेगा, और 180 प्लस थीटा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट जो है वो नेगेटिव होगा. उसी तरह से इसका भी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताया था, साइन ऑफ माइनस थीटा वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर इसका आएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट 180 माइनस थीटा. 180 पे कॉट कॉट नहीं रहेगा, और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना है, तो कॉट 180 माइनस थीटा ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा. साइन 360 माइनस थीटा, 360 साइन का एंगल 360 पर साइन का ही रहेगा, और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा माइनस ऑफ साइन थीटा. और इधर से कोसेकेंट 270 प्लस थीटा, 270 डिग्री के एंगल पर कोसेकेंट जो है वो सेकेंड में चेंज होगा, और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसका रिजल्ट बनेगा माइनस ऑफ सेकेंड थीटा. अब यहाँ ऊपर के जो तीन माइनस के टर्म्स हैं और नीचे भी तीन माइनस के हैं, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए. अब कॉट थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और सीकेंट थीटा साइन थीटा से, सो इसका आंसर बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉस 90 प्लस थीटा, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, सीकेंट 360 माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा. अब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा वो क्योंकि 90 डिग्री पर कॉस साइन में चेंज होगा, और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस का रिजल्ट नेगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा. इसी तरह से सीकेंट ऑफ माइनस थीटा ये आ जाएगा माइनस ऑफ, ये इसका कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो सीकेंट ऑफ माइनस थीटा भी सीकेंट थीटा हो जाएगा. और टैन 180 माइनस थीटा, 180 पर टैन टैन में ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ टैन थीटा अपॉन सीकेंट ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा. अगेन 360 पर सीकेंट जो है वो सीकेंट में रहेगा, तो सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ में सीकेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर इसका सिर्फ सीकेंट थीटा ही रह जाएगा. 180 डिग्री पर साइन साइन में रहेगा, और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर इसका आएगा माइनस साइन थीटा. और लास्ट में यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री के एंगल पर कॉट टैन में चेंज होगा, और 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा आपके पास होगा टैन. अब यहाँ पर दो माइनस की टर्म्स और कैंसिल हो जाएंगी ये दोनों, और एक सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचेगा, टैन और टैन ही कैंसिल होगी, तो आपके पास माइनस वन आंसर होगा. बहुत सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, सीकेंट 180 प्लस थीटा, सीकेंट 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, कोसेकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, एंड कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा. अब 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन कॉट में चेंज होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, 90 डिग्री पर टैन जो है चेंज हो जाएगा, तो इसमें ये आ जाएगा कॉट. 180 डिग्री पर साइन साइन में रहेगा, और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन. और सीकेंट 270 पर सीकेंट चेंज होगा, 270
270 पर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और सीकेंट को सीकेंट में चेंज होता है तो ये आ जाएगा कोसेकेंट अपॉन कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 डिग्री पर जो कॉस है वो चेंज होगा, 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, कॉस चेंजेस टू साइन, सो आंसर इसका आएगा माइनस ऑफ साइन। 180 डिग्री पर कोसेकेंट कोसेकेंट में रहेगा और 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहां पर कोसेकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा कोसेकेंट थीटा के बराबर। और cot 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री पर cot cot में रहेगा और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot जो है वो आपके पास माइनस cot थीटा। अब यहां पर ये एक माइनस की टर्म और एक माइनस की टर्म से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, cot cot से कैंसिल हो जाएगा, cosecant cosecant से हमारे पास एक माइनस की टर्म बचेगी, तो यहां इसका रिजल्ट बनेगा माइनस। उसी तरह से यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, cosecant 90 डिग्री प्लस थीटा और cot 450 डिग्री प्लस थीटा और cosecant 90 प्लस थीटा प्लस tan 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 180 डिग्री प्लस थीटा प्लस secant 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन tan 360 डिग्री प्लस थीटा माइनस secant अपॉन। अब यहां पर एक टर्म आ गई cot 450 डिग्री प्लस थीटा की, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। cot 450 डिग्री प्लस थीटा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं cot 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा। अब यहां पर ये टर्म जो है इसको एक थीटा मान लेते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा को पाई, तो ये आ जाएगा cot 360 डिग्री प्लस। अब cot 360 प्लस थीटा का फार्मूला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव है, 360 डिग्री का एंगल होने के कारण cot cot में रहेगा, तो यहां आ जाएगा cot ऑफ पाई। अब यहां पर जो पाई है उसकी जगह हम लिख देंगे cot ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। अब cot 90 डिग्री प्लस थीटा वो आपके पास इसमें जो लाई करता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और cot tan में चेंज हो जाता है और यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ tan, ये इसका cot 450 डिग्री प्लस थीटा का रिजल्ट था। अब cosecant 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में cosecant पॉजिटिव होगा, तो cosecant 90 डिग्री प्लस थीटा ये आएगा secant थीटा। cot 450 प्लस थीटा की जगह पर हम लिखेंगे माइनस ऑफ tan थीटा अपॉन cosecant 90 डिग्री प्लस थीटा, ये आपके पास बनेगा secant थीटा और tan 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री पर tan tan में रहेगा और tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, तो ये आएगा माइनस tan प्लस। अब tan 180 डिग्री प्लस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, तो ये भी आ जाएगा tan थीटा प्लस secant 180 डिग्री माइनस थीटा दैट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में secant जो है वो हमारे पास इसमें वो नेगेटिव होगा और 180 पर secant secant में रहेगा, तो ये आ जाएगा यहां पर माइनस ऑफ secant अपॉन tan 360 डिग्री प्लस थीटा दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और 360 डिग्री पर जो tan है वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये tan थीटा। अब यहां पर secant का माइनस थीटा, जैसे cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर है, तो secant ऑफ माइनस थीटा secant थीटा के बराबर होगा, तो ये माइनस ऑफ secant थीटा। अब ये टर्म secant थीटा माइनस tan थीटा और secant थीटा माइनस tan थीटा, ये पूरी दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, tan थीटा माइनस secant थीटा ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 plus 1 ये प्लस पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट secant 3 pi by 2 minus theta secant theta minus pi pi by 2 plus tan 5 pi by 2 plus theta tan theta minus 3 pi by 2 is equal to minus 1। अब हम इन टर्म्स को सेपरेटली अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है secant 3 pi upon 2 minus theta, हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इनको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब 3 पाई बाय 2 आएगा आपके पास 3 बाय 2 इनटू 180 डिग्री, यानी कि ये बनेगा
270 डिग्री। तो यहाँ पर सीकेंट ऑफ ये बनेगा 270 डिग्री माइनस थीटा। अब 270 पर सीकेंट वो सीकेंट में चेंज होगा और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वार्टर में है तो सीकेंट 270 माइनस थीटा ये आपके पास बनेगा माइनस ऑफ सीकेंट। उसके बाद है नेक्स्ट सीकेंट थीटा माइनस 5π/2। अब 5 तो सीकेंट 270 माइनस थीटा आ जाएगा माइनस कोसेकेंट थीटा के बराबर। अब सीकेंट थीटा माइनस 5π/2 लेते हैं तो 5π/2 को लिखेंगे 5π/2 इनटू 180 डिग्री यानी कि ये आपके बनेगा 450 डिग्री। तो अब इसको लिखते हैं सीकेंट ऑफ थीटा माइनस 450 डिग्री। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं सीकेंट ऑफ माइनस 450 डिग्री माइनस थीटा। अब हमें पता है सीकेंट ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर है सीकेंट थीटा तो ये आ जाएगा सीकेंट ऑफ 450 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं 450 को ब्रेक करके इस तरह से लिख देता हूँ सीकेंट ऑफ 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर 360 90 डिग्री माइनस थीटा को मैं लिख दूंगा 5 के बराबर तो ये आ जाएगा सीकेंट ऑफ 360 डिग्री प्लस 5। अब secant 360 डिग्री प्लस 5 वो आपके पास होगा secant 5 के बराबर तो यहाँ मैं लिख देता हूँ secant of 5। अब जो 5 की वैल्यू है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा इसका मतलब है secant of ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका मतलब secant of 90 डिग्री माइनस थीटा आपके पास बनेगा क्योंकि इसमें 90 डिग्री पर चेंज होगा तो ये बनेगा cosecant of थीटा। अब नेक्स्ट टर्म है tan 5π/2 प्लस थीटा tangent 5π/2 प्लस थीटा इसको हम लिख देंगे tangent ऑफ 450 डिग्री प्लस थीटा। अब इसको भी वैसे ही चेंज करते हैं tangent ऑफ 450 डिग्री को हम लिख देंगे 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा। अब इसको 90 डिग्री प्लस थीटा को हम 5 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा tangent ऑफ 360 डिग्री प्लस 5। अब tan 360 डिग्री प्लस 5 उसको हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 360 डिग्री पर tan tan में रहेगा और 360 डिग्री प्लस 5 फर्स्ट क्वार्टर में चला गया तो ये आ जाएगा tangent of 5 के बराबर तो ये बनेगा tangent of 90 डिग्री प्लस 3। अब tan 90 डिग्री प्लस थीटा दैट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो cot में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर इसका आएगा माइनस ऑफ cot सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है। तो नेक्स्ट है tangent ऑफ थीटा माइनस 3π/2 इसको हम लिख देंगे tangent ऑफ थीटा माइनस 270 डिग्री। अब यहाँ से माइनस हम कॉमन निकालते हैं तो tangent ऑफ माइनस 270 डिग्री माइनस थीटा। अब tangent of minus theta minus tan theta के बराबर है तो ये आएगा minus tan of 270 degree minus theta। अब tan 270 degree minus theta यहाँ पर 270 degree minus theta third quadrant में है और third quadrant में tan जो है वो positive होगा और tan cot में change हो जाएगा तो ये आएगा minus of cot theta। अब ये जो values हैं वो सारी मैं इनकी जगह पे लिख देता हूँ secant 3π/2 minus theta इसका result है minus cosecant theta और secant theta minus 5π/2 है इसका result है cosecant theta और plus tangent of 5π/2 इसका result है minus of cot theta और tan theta minus 3π/2 इसका result भी है minus of cot theta। अब यहाँ पर minus cosecant theta into cosecant theta ये बनेगा minus cosecant square theta और ये माइनस कॉट थीटा इनटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालें कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है तो इसका यहाँ पे माइनस बाहर है तो इसका रिजल्ट बनेगा माइनस 1 कॉस टू द। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3π बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 5π बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 7π बाय 8 इज इक्वल टू। अब हम पहली दो टर्म्स को ऐसे ही रहने देंगे और इन दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे। देखिए साइन 5π बाय 8 है इसको हम लिख सकते हैं साइन 4π ओवर 8
प्लस पाई ओवर एट। अब 4π/8 जो है इसमें साइन ये कटिंग होगी तो पाई ओवर 2 प्लस पाई ओवर 8 आ जाता है। अब ये पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा ये आपके पास बनेगा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ पाई ओवर। उसी तरह से साइन स्क्वायर 7π/8 है, यहाँ पर साइन 7π/8 को कैसे लिखेंगे, साइन 4π/8 प्लस 3π/8। अब 4π/8 है तो इसको लिखेंगे साइन पाई ओवर 2 प्लस 3π/8। अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा ये आपके पास होगा कॉस थीटा, तो ये बनेगा कॉस 3π/8। अब ये टर्म्स जो है साइन पाई बाई एट की जगह पर लिख देंगे कॉस पाई बाई एट, और साइन 7π/8 की जगह पर लिख देंगे कॉस 3π/8। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स तो ऐसे ही रहेंगी, साइन स्केयर ऑफ पाई ओवर 8 प्लस साइन स्केयर ऑफ 3π/8 प्लस साइन स्केयर ऑफ, यहाँ पर ये इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्केयर ऑफ पाई ओवर 8 प्लस इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्केयर ऑफ 3π/8। अब ये टर्म और ये टर्म इकट्ठी कर देंगे और इन दोनों टर्म्स को इकट्ठी कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन स्केयर ऑफ पाई ओवर 8 प्लस कॉस स्केयर ऑफ पाई ओवर 8 प्लस साइन स्केयर ऑफ 3π/8 प्लस कॉस स्केयर ऑफ 3π/8। अब साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इस टर्म की वैल्यू 1 आएगी, और साइन स्केयर 3π/8 प्लस कॉस स्केयर 3π/8 इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 प्लस 1 तो इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्केयर पाई ओवर 8 प्लस साइन स्केयर पाई बाई 9 प्लस साइन स्केयर 7π/8 प्लस साइन स्केयर 4π/9 इज इक्वल टू 2। अब इसको इजी करने के लिए हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो पाई अपॉन 18 है उसको हम लिख देंगे 180 डिग्री अपॉन 18, यानी कि ये बनेगा 10 डिग्री। उसी तरह से पाई अपॉन 9 है इसको लिखेंगे 180 डिग्री अपॉन 9, यानी कि ये बनेगा 20 डिग्री। 7π ओवर 18 को लिखेंगे 7/18 इंटू 180 डिग्री, ये आ जाएगा 70 डिग्री। और 4π ओवर 9 दैट इज 4/9 इंटू 180 डिग्री, ये आ जाएगा 80। अब यहाँ पर इन टर्म्स की जगह पर लिख देंगे साइन स्केयर ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन स्केयर ऑफ 20 डिग्री प्लस साइन स्केयर ऑफ 70 डिग्री प्लस साइन स्केयर ऑफ 80। अब ये दोनों टर्म्स ऐसे ही रहने देते हैं और इन दोनों टर्म्स को हम चेंज कर लेते हैं, साइन स्केयर ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन स्केयर ऑफ 20 डिग्री प्लस साइन स्केयर ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस साइन स्केयर ऑफ 90 डिग्री माइनस 10। अब हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा साइन स्केयर 10 डिग्री प्लस साइन स्केयर ऑफ 20 डिग्री प्लस कॉस स्केयर ऑफ 20 डिग्री प्लस कॉस स्केयर ऑफ 10। अब ये टर्म्स दोनों 10 वाली अलग कर देंगे, साइन स्केयर ऑफ 10 डिग्री प्लस कॉस स्केयर ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन स्केयर ऑफ 20 डिग्री प्लस कॉस स्केयर ऑफ 20। अब साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इसकी वैल्यू है 1, इधर से 1 साइन स्केयर 20 प्लस कॉस स्केयर 20 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ इसका आंसर बनेगा 2 के बराबर पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड ऑफ 90 डिग्री प्लस ए प्लस एक्स साइन ए टेन 90 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री प्लस ए, प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट ए। अब देखिए सेकेंड 90 डिग्री प्लस ए, 90 डिग्री पर सेकेंड को सेकेंड में चेंज होगा और 90 डिग्री प्लस ए सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट बनेगा माइनस ऑफ कोसेकेंट ए प्लस एक्स साइन ए इंटू टेन 90 डिग्री प्लस ए, 90 डिग्री पर टेन क्वाड में चेंज होगा और 90 डिग्री प्लस ए सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहाँ इसका रिजल्ट बनेगा माइनस ऑफ कॉट ए। और कॉस 90 डिग्री प्लस ए ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और 90 डिग्री पर कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन।
अब यहाँ पर कोसिकेंट ए इसको लिख देंगे माइनस वन अपॉन साइन ए प्लस एक्स साइन ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ कॉट ए इसको लिखेंगे माइनस ऑफ कॉस ए अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ए। अब ये साइन साइन से कैंसिल होगा माइनस वन अपॉन साइन ए प्लस यहाँ पर ये आएगा माइन एक्स इंटू माइनस कॉस ए माइनस एक्स कॉस ए इक्वल टू माइनस ऑफ साइन। अब ये दोनों टर्म्स अलग कर देते हैं तो यहाँ पर इसको इस तरफ ले जाते हैं माइनस वन अपॉन साइन ए इधर इक्वल टू इस साइड पर माइनस साइन ए है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन ए दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ए को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स कॉस ए। अब ये दोनों में से हम इसका एलसीएम लेंगे साइन ए माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स कॉस। अब यहाँ से माइनस जब बाहर लेके जाएंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू एक्स कॉस ए वन माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ ए। ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ए अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सॉरी कॉट ए। सो पॉजिटिव रखो ये स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के पिछले वीडियो में आपको बेसिक फॉर्मूले करवाए थे, इसमें मैंने आपको उस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।